फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर ये है कि फेसबुक के ऊपर जो है वो ज्यादातर आप लोग विजुअल चीजें जो है वो यूज कर रहे होते हैं, लाइक सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, कैरोसेल एड्स वगैरह जो है वो चल रहे होते हैं। जबकि गूगल एड्स की अगर हम लोग बात करें तो विजुअल के साथ साथ आपके पास टेक्स्ट बेस्ड एड्स भी आप लोग जो है वो वहाँ पे चला सकते हैं, जिस तरह आपके पास सर्च इंजन के अंदर या डिस्कवरी कंपेन के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। तो डिस्प्ले एड्स तो आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियो एड्स जो है वो चल रहे होते हैं। प्लस अगर हम लोग जो है वो बात करें फेसबुक की, तो ये एड्स बेसिकली काम करते हैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर, डेमोग्राफिक्स के ऊपर, इसके अलावा जो भी लोगों ने बेसिकली जॉब टाइटल्स वगैरह उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम लोग गूगल एड्स की बात करें तो ये हमारे पास इंटेंट बेस्ड जो है वो ज्यादा चल रहे होते हैं, जिसमें हम लोग इंटेंट और डिफरेंट किस्म के डेमोग्राफिक्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं, अफिनिटी ऑडियंसिस वगैरह को जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिपेंड करते हैं आप किस बिजनेस के लिए कंपेन चला रहे हैं और उसके मुताबिक फिर आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है।